सो गाइस आज के स्टूडियो में जाने की आखिर आप स्नैपचैट पे स्ट्रीक स्टोरी यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं, यानी कि आपके यहाँ पर अगर स्नैपचैट पे स्ट्रीक यहाँ बना हुआ किसी के साथ तो आप उसके यहाँ पर स्टोरी कैसे यहाँ पर लगा सकते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको उस पर्सन के प्रोफाइल में चले जाना जिसके साथ भी आपका स्ट्रीक यहाँ बना हुआ है। जैसे गाइस मैं यहाँ पर अपने इस वाले फ्रेंड के यहाँ पर यहाँ प्रोफाइल में जाता हूँ, तो गाइस आप जैसे प्रोफाइल में आते सिंपली यहाँ पर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाना है। एंड जैसे आप नीचे आते तो आपको यहाँ पर ढूंढना है यहाँ पर चार्म्स वाला सेक्शन, जिसमें गाइस आपको यहाँ पर स्नैप स्ट्रीक वाला यहाँ पर एक यहाँ पर ऑप्शन देखने मिला, सिंपली आप उसको टैप कर ले। तो गाइस आप जैसे यहाँ पर टैप करते फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको करना है कि आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना है। जैसे गाइस मैंने यहाँ पर लिया है, देन फ्रेंड सिंपली यहाँ पर आपको क्रॉप कर रहे हैं, जैसे मैं यार क्रॉप यहाँ पर कर रहा हूँ कुछ इस तरह से यहाँ पर। तो गाइस आपको सेम स्टेप्स को यहाँ फॉलो करें, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ यहाँ पर हल्का सा मैं यहाँ पर क्रॉप यहाँ पर कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर डन कर लेता हूँ। देन गाइस आप जैसे यहाँ पर क्रॉप करें सिंपली यहाँ पर आपको प्रोफाइल में वापस यहाँ पर जाना है एंड सिंपली यहाँ पर प्रोफाइल का एक पिक्चर यहाँ पर क्लिक कर लेना, कि एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना एंड यहाँ पर साइड से भी क्रॉप इसको यहाँ पर कर लेना। जैसे गाइस मैं यहाँ पर कर लेता हूँ साइड से भी यहाँ पर क्रॉप। तो फ्रेंड्स आप जैसे यहाँ पर क्रॉप कर ले सिंपली यहाँ पर आप चले जाएँ यहाँ से बैक हो जाएँ, जैसे कि मैं यहाँ बैक हो गया हूँ यहाँ से। फ्रेंड्स आप जैसे यहाँ बैक हो सिंपली आपका यहाँ पर कैमरा वाले ऑप्शन में यहाँ पर टैप करना एंड जाना है अपने यहाँ पर कैमरा रोल वाले ऑप्शन में। एंड जैसे मैं आप जाता हूँ अपने कैमरा रोल वाले ऑप्शन में एंड गाइस आपको यहाँ पर उनका प्रोफाइल का यहाँ पर जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपने लिया था उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस आप जैसे सेलेक्ट कर सिंपली आपको यहाँ पेंसिल वाले ऑप्शन का टैप करना, जो कि आपको नीचे की तरफ देखने मिलता है, जैसे कि यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ यहाँ पर एक पेंसिल वाला ऑप्शन देखने मिलता है, सिंपली आप उसको टैप कर दें। देन गाइस आप यहाँ पर थर्ड वाले स्टिकर ऑप्शन में चले जाए, जो कि आपको यहाँ पर राइट साइड में देखने मिलता है यहाँ पर टॉप पर, जैसे कि मैं यहाँ पर टैप करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन देखने मिल रहा है यहाँ पर पिक्चर फ्रॉम गैलरी का, सिंपली आप उसको टैप कर, जिसको मैं यहाँ पर टैप किया हूँ। देन गाइस आपको यहाँ पर सेकंड वाले यानी कि जो भी आपने यहाँ पर उनका यहाँ पर स्ट्रीक का यहाँ पर फोटो यहाँ क्लिक किया सिंपली आप उसको सेलेक्ट करें, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है। तो गाइस आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेंटेन यहाँ पर कर लेना है। गाइस मैंने यहाँ पर मेंटेन यहाँ पर किया है कि मैंने यहाँ पर अरेंज यहाँ पर किया, आप भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर ले। देन गाइस सिंपली यहाँ पर आपको यहाँ पर टी वाले ऑप्शन को यहाँ पर टैप करना एंड यहाँ पर एट द रेट यहाँ पर लगा के, गाइस मैंने यहाँ पर लगाया है, आपको यहाँ पर उनका यहाँ पर प्रोफाइल का जो यहाँ पर यूज़र नेम उसको यहाँ पर टाइप कर दे, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। देन सिंपली आप टिक वाले ऑप्शन को टैप करें, जैसे गाइस मैंने यहाँ पर टैप किया यहाँ पर। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा स्नैपचैट पर स्ट्रीक स्टोरी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सिंपली यार आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन को टैप करें एंड यहाँ पर स्टोरी यहाँ पर अपना कस्टम स्टोरी या पब्लिक स्टोरी आप यहाँ पर लगा दें। तो गाइस आप जैसे यहाँ पर लगाते हैं आपका स्नैपचैट में स्ट्रीक स्टोरी यहाँ पर लग चुका है बहुत ही आसानी से।